डायबिटीज में क्या खाएं और क्या नहीं। इस सवाल से ज्यादातर डायबिटीज पेशेंट परेशान रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज धरोहर पर। आज हम आपको बताने वाले हैं, डाइट में शामिल करें शकरकंद, डायबिटीज में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में सबसे अहम रोल होता है आपकी डाइट का। डायबिटीज को सही आहार, डाइट और व्यायाम व दवाओं से नियंत्रित किया जा सकता है। डायबिटीज से पीड़ित लोगों को अक्सर फाइबर से भरपूर खाना खाने की सलाह दी जाती है और शकरकंद इसमें एकदम फिट बैठती है। डायबिटीज में बहुत से लोग आपको यह सलाह देते होंगे कि आप आलूओं से दूरी बनाकर रखें, लेकिन शकरकंद को आप अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। इसके सेवन से ब्लड शुगर को नियंत्रित कर सकते हैं। डायबिटीज से पीड़ित लोगों के लिए शकरकंद के हैं कई फायदे। शकरकंद में फाइबर और विटामिन ए, विटामिन सी और जिंक जैसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इसमें विटामिन बी, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम भी काफी मात्रा में पाए जाते हैं। वे ब्लड शुगर को बार बार ऊपर नीचे होने से बचाता है। यह पोषण कंट्रोल का काम करता है, इसीलिए इसे खाने में ऐड करना भी जरूरी है। क्योंकि यह पोषण से भरा आहार है, इसलिए आपको इसे अच्छी कैलोरी मिलेगी। शकरकंद में प्रति 100 ग्राम में 109 कैलोरी होती है और 24 ग्राम कार्ब होते हैं। यह मीठे का एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। यदि स्वास्थ्य से संबंधी और भी जानकारी आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा कर पाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और बताएं कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो।